हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ने वाला यमुना पुल अब लाइटों से जगमगाएगा। रोटरी पौंटा ने पौंटा साहिब प्रशासन के माध्यम से नगर परिषद को नेशनल हाईवे 72 के लिए लाइटें सौंपी हैं। विधायक सुखराम चौधरी, एसडीएम एलआर वर्मा और तहसीलदार कपिल तोमर की मौजूदगी में पुल के लिए 37 लाइटें सौंपी गई, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से अधिक है। लंबे समय से उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ने वाले इस पुल की लाइटें खराब थी, जिस कारण रात को पैदल आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से रोटरी क्लब पौंटा का धन्यवाद करना चाहता हूँ, पौंटा के लोगों की ओर से। ये जो हमारा यमुना ब्रिज है जो हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ता है, बहुत दिनों से इसकी लाइटें खराब थी। इन्होंने 37 लाइटें आज डोनेट की हैं एसडीएम पौंटा को, और बहुत जल्दी हम इन लाइटों को वहाँ पर लगा कर जो है इस ब्रिज पे जो है लाइट का प्रबंध इनके माध्यम से करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी समस्त पौंटा के लोगों की ओर से रोटरी क्लब पौंटा का कोटि कोटि धन्यवाद। पुल के ऊपर यमुना पुल पर जो लाइटें खराब पड़ी हैं, हमने एक दो बार देखा कि रात को कुछ राहगीरों को, विशेषकर महिलाओं को यहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए रोटरी पौंटा ने एक मीटिंग करी, उसमें ये डिसाइड किया कि हम यमुना पुल पर जो है लाइटें को इनको चेंज करेंगे। इसमें हमारा सहयोग तिरुपति ग्रुप से अरुण गोयल जी ने, अशोक गोयल जी ने और दीपक गोयल जी ने इसमें पूरा सहयोग किया है। मैं अपनी ओर से तिरुपति ग्रुप का, अरुण गोयल जी का धन्यवाद करता हूँ।